सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वर्तमान को सबसे बेहतरीन पल बनाओ क्योंकि वो वापस नहीं आता। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी से अस्त व्यस्त है फिर भी जिंदगी तू जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती मत जियो, जबरदस्त तरीके से जियो। आज का पंचांग 2 मई 2022 दिन सोमवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 5:19 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 12:34 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:33 से 9:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मीन राशि 2 मई 2022 दिन सोमवार, आज सब लोगों से मिलने के मूड में हैं और क्लबों व अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी तैयार हैं। आप स्वयं को भाग्यशाली और चुलबुला महसूस कर रहे हैं। आप अभी अच्छे मूड में हैं, इसलिए नेटवर्किंग करना ना भूलें। आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन भविष्य में सहायक होंगे। अच्छे अपने खर्चों पर नजर रखें। सफलता की कुंजी क्षमता का सही मूल्यांकन और सपनों की स्पष्ट तस्वीर है। पैसों को लेकर आपका दिन बहुत अच्छा नहीं रहता, पर इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते। दिन बहुत ही व्यवस्थापूर्ण रहेगा। आप भरपूर प्रयासों में अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। किसी विशेष व्यक्ति से सानिध्य में आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। नजदीकी मित्रों का भी उचित सहयोग मिलेगा। एकांत में रहकर विचार करने की वजह से कई सारी बातों में आपको स्पष्टता नजर आएगी, इस कारण आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आज आप अधिकतर समय मौज मस्ती में बिताने की कोशिश करेंगे। बड़े कार्य की शुरुआत करने से पहले खुद को किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है इसका विचार करें। सहकर्मियों के साथ का बर्ताव सुधारने की कोशिश करें, तभी मिलकर काम कर पाना संभव है। पार्टनर को व्यक्तिगत जीवन की वजह से उदासीनता महसूस हो सकती है, उसे आपके भावनात्मक सहयोग की जरूरत होगी। सावधानियां, मशीनरी अथवा लोहे से संबंधित उपकरणों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें। दोपहर बाद कोई अशुभ सूचना मिलने से मन व्यथित रह सकता है। अपना मनोबल गिरने ना दें, वरना आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय लग पूरी तरह से आपके साथ है, जहां आपको काम में सफलता मिलेगी, वहीं रिश्तेदार भी आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। आपके साथी के लिए तो आपका आकर्षण और करिश्मा ही काफी है। अच्छा, आपको अपने प्यार की मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको सहायक और प्रोत्साहित करने वाला साथी मिला है। आज इस बारे में भी विचार करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। मोहब्बत में होना नशे में होने की तरह है। आप क्या कहते हैं इस पर आपका वश नहीं होता। बात करते हैं करियर की। आज धन के आकर्षण से बचें और अपने कौशल के प्रति पूरी तरह से ईमानदार व तर्कसंगत रहें। कोई भी काम करने से पहले योजना बना लें और अच्छे से विचार करने के बाद ही उसकी शुरुआत करें। याद रखें, सफलता के लिए लक ही नहीं बल्कि कड़े परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। आज आप अपने व्यापार और तकनीकों पर नजर रखेंगे ताकि बिक्री को बढ़ाया जा सके। आप ग्रहों के अनुरूप समाधान तैयार करने के लिए भी तैयार हैं।
अपनी क्षमता का सही मूल्यांकन आपको सफलता प्रदान कर सकता है। अच्छे के लिए खोज की तुलना में स्पष्टता की खोज अधिक आवश्यक है। बात करते हैं सेहत की। व्यायाम, योग जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मौसमी परेशानियां जैसे खांसी, जुकाम, बुखार जैसी स्थिति रहेगी। पेट की जलन तकलीफ दायक हो सकती है, एसिडिटी को नियंत्रण में रखना आवश्यक होगा। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।